हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए, है ना। चैप्टर का नाम से आपको समझ में आता होगा कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, यानी कि कोई यात्री होगा जो कि भारत आया होगा और उनके द्वारा जो भी भारत में देखा गया होगा, है ना, उनके नजरिए यानी कि उनके नजर के द्वारा जो भी देखा गया होगा उन्हीं को हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये जो है इतिहास का 5वां चैप्टर है और बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम लोग यहाँ पर पूरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। इसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी वैसे आपको करवाएंगे, लेकिन अगर आप स्टोरी को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन जो है वो आपसे यूं बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। अगर शेयर नहीं किए जो भी, तो प्लीज आप लोग वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आपके दोस्त हैं सभी जो है क्लास में जुड़ पाए, है ना। तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए तो देखिये, ये जो चैप्टर है आपके लिए मजेदार इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से तीन व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं और आप लोग हर कोई लगभग इस तीन व्यक्ति के बारे में सुन रखे होंगे। सबसे पहला जो व्यक्ति का नाम है प्यारे बच्चों, यानी कि हम लोग यहाँ पर तीन व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला व्यक्ति है उनका नाम है अल बिरूनी। आप लोग फटाफट बोलते जाना कि अल बिरूनी के बारे में आप लोग जानते नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग नहीं जानते होंगे, हमको लगता है हर कोई जानते होंगे, है ना। तो सबसे पहला जो है बच्चों वो है अल बिरूनी, है ना, अल बिरूनी, अल बिरूनी जो भी है। दूसरा है इब्न बतूता। क्या है? इब्न बतूता। जो तीसरा व्यक्ति है प्यारे बच्चों वो है फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर। ये थोड़ा सा डेमो है ताकि आपको समझ में आए कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, है ना। चलिए, फ्रांसवा बर्नियर को कभी कभी हम लोग सिर्फ बर्नियर के भी नाम से जानते हैं। और दो और जो है दो व्यक्ति है, लेकिन इनके बारे में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जो तीन है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आया था आपका 11वीं शताब्दी में, अगर आपको पूछा भी जाता है वैसे ऑब्जेक्टिव में, इसलिए लिख देते हैं। ये कब आया था प्यारे बच्चों? ये भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ये कब आया था भारत, अल बिरूनी कब आया था? 11वीं शताब्दी में, ठीक है। इब्न बतूता कब आया था? तो इब्न बतूता जो है वो तीन शताब्दी के बाद में, तीन शताब्दी के बाद मतलब हुआ 14वीं शताब्दी में, है ना। याद रखिएगा कब आया था? 14वीं शताब्दी में, याद रखना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखिए, अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में, उसके तीन तीन शताब्दी के बाद आया था फ्रांसवा बर्नियर यानी कि 17वीं शताब्दी में। तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। देखो तीन तीन करके बाद देखो, अल बिरूनी आया 11वीं शताब्दी में, भारत आया था इब्न बतूता, भारत आया था 14वीं शताब्दी में यानी तीन शताब्दी के बाद, 300 साल के बाद। फिर फ्रांसवा बर्नियर जो है वो 300 साल के बाद आया, किसका 300 साल? इब्न बतूता के 300 साल, यानी कि 14वीं से तीन अगर ये करेंगे तो 17वीं शताब्दी के बाद, यानी कि तीन तीन शताब्दी के बाद से आया। तो ये 11वीं शताब्दी में, ये 14वीं शताब्दी में, और फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में, ठीक है। अल बिरूनी के ऊपर में जो किताब लिखा गया था, जहां पर हम लोग पहले तो अल बिरूनी का परिचय देखेंगे, फिर इसके किताब के बारे में देखेंगे, फिर इब्न बतूता का परिचय देखेंगे, फिर इसके किताब के बारे में, फिर इसका भी देखेंगे और इसका थोड़ा बहुत किताब के बारे में। देखो, इसके द्वारा जो किताब लिखा गया था प्यारे बच्चों, उस किताब का नाम क्या है? तो आप सबको पता होगा, किताबुल हिंद। आप लोग कमेंट करते हुए चलिए, इस किताब का नाम क्या था? किताबुल हिंद, ठीक है। उसके बाद इसके द्वारा जो किताब लिखा गया था, इस किताब का नाम क्या था? रेहला, 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 बहुत सारा नाम से हम लोग इसको जानते हैं, रेहला। और इसके द्वारा जो किताब लिखा गया था, क्या इसका नाम आपको पता है? मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। ट्रेवल्स इन द, इंग्लिश में लिख देते हैं, वैसे हिंदी में भी लिखना होगा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। इसका किताब का नाम क्या था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी कि ये जो यात्रा कर रहे थे, किताब का नाम, क्योंकि ये फ्रांस से आए थे, फ्रांसवा बर्नियर जो है वो फ्रांस से आए थे, इसलिए इसका किताब का नाम इंग्लिश में रखा गया, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसका इब्न बतूता का किताब का नाम रेहला, अल बिरूनी का किताब का नाम किताबुल हिंद, ठीक है। अल बिरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से था, इब्न बतूता जो है मोरक्को से था, फ्रांसवा बर्नियर जो है वो फ्रांस से था। तो ये है आपका बेसिक, इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, समझ में आ गया आपको, यानी कि ये तीनों के बारे में ही जो है हम लोग इस चैप्टर में प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का हेडिंग प्यारे बच्चों आपको डालना है यात्रियों के नजरिए, आईज ऑफ ट्रेवलर्स, जो कि चैप्टर 5 इतिहास का 5वां चैप्टर है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि सर लोग जो है वो यात्राएं क्यों करता था, आखिर क्या नौबत आ गई थी कि जो लोग है वो यात्राएं करता था, क्या आखिर प्रॉब्लम आ गई थी? देखो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लोग जो है या तो प्रॉब्लम भी हो सकता है या शौक से भी हो सकता है, लोग जो है दोनों तरीके से यात्रा करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो लोगों के यात्रा करने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, प्राकृतिक आपदा की विभीषिका से बचने के लिए, मतलब यात्रा इसीलिए करते हैं, हो सकता है कि कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, अब लोग को ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो जगह छोड़ के वो गर्मी वाले इलाके में गया हो, है ना। अब ठंड के समय में क्या होता है कि कश्मीर वाले लोग नहीं रह पाते, तो वो क्या करते हैं, दक्षिण भारत में चले जाते हैं, यानी कि केरला, तमिलनाडु, क्योंकि उधर जो है वो गर्मी ठंड नहीं होती है, ठीक है। उसी तरीके से गर्मी के समय में लोग राजस्थान में नहीं रहते हैं, वो जम्मू कश्मीर चले जाते हैं।
तो प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ हो गया, हो सकता है बाढ़ के कारण डूब गया हो सकता है सुखार बहुत ज्यादा हो गया, पानी की कमी हो गई हो, या भूकंप आ गया हो, या फिर पूरा एकदम जल गया हो, तो ये सारा कारण की वजह से लोग यात्राएं करते हैं। दूसरा, आर्थिक क्रिया की तलाश जिससे वह आय अर्जित कर सके। आय का मतलब होता है इनकम, है ना, इनकम यानी कि आर्थिक क्रिया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब समझिए लगभग 80% जो लोग यात्राएं करते हैं वो कमाने के लिए, है ना, अपना पेट पूजा के लिए, अपने घर में के कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, शादी दिलाने के लिए, अपने सिस्टर का, अपना बेटी का, जो भी जो लोग यात्रा करते हैं, तो ज्यादातर जो 80% जो यात्रा होती है वो सिर्फ किस लिए होती है, कमाने के लिए। चाहे वो बिहार से दिल्ली जाए या मुंबई जाए या फिर अरब देश जाए या अमेरिका, कहीं भी लोग जाते हैं तो ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करने जाते हैं, आय अर्जित करने के लिए। अर्जित का मतलब होता है कमाना, आय का मतलब होता है इनकम, ठीक है। तीसरा, व्यापार करने के उद्देश्य से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि व्यापार करने के लिए यानी कि बिजनेस करने के लिए भी जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। किसी को भी किसी तरह का बिजनेस करना हो तो वो लोग भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। चौथा है तीर्थयात्री बनकर। अब तीर्थयात्री का मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तीर्थ यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे कुंभ का मेला हो गया, कहीं भी तीर्थ यात्रा करते हैं अपने के लिए, जैसे कि इस्लाम में क्या है हज, मुस्लिम लोग जो है वो हज करते हैं, तो हज करने के लिए कहाँ जाते हैं, अरब जाते हैं। अरब तो अरब भी क्या एक प्रकार का यात्रा हुआ, है ना, वो लोग जब अरब जाएगा तो इंडिया से जब अरब जाएगा तो भाड़ा करेगा, एरोप्लेन करेगा, सारा चीज करेगा, तो वो पैसे वगैरह देगा, तो ये भी क्या हुआ एक प्रकार का यात्रा हुआ, तीर्थ यात्रा। कोई जम्मू कश्मीर में जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है, कोई किसी तरह का केदारनाथ मंदिर वगैरह जाते हैं, तो वो भी क्या है एक प्रकार का तीर्थ यात्रा है। उसके बाद सैनिकों के रूप में, सैनिकों के रूप में भी लोग यात्रा करते हैं। मान लेते हैं कहीं पे कुछ युद्ध होने वाला, मान लो कोई सैनिक है जो कि राजस्थान में है, अचानक जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया, या फिर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पर हमला कर दिया, चाइना वाला जो है किधरों से हमला कर दिया, चाहे लद्दाख वगैरह में, ऑक्साई चीन में, तो जब वो हमला कर देगा तो सैनिक को जो है जाना पड़ेगा, तो सैनिक के रूप में भी लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है लोग यात्रा क्यों करते थे, तो ये सारा कारण है। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो पीडीएफ नहीं लिए हैं। अब आगे देखो छठा नंबर, प्रशासनिक अधिकारी या राजदूत के रूप में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और उस वक्त में राजदूत, उस वक्त में जैसे आज की दिन हम लोग क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उस वक्त में जो है, अब मान लो कोई सरकार है जो कि अमेरिका में, कोई राजा है जो कि बैठा हुआ था, है ना, अब कोई राजा जो कि इंडिया में था, अब कोई राजा को अपना बात इंडिया तक पहुंचाना था, तो वो राजदूत के जरिए, राजदूत का मतलब होता है मैसेंजर, राजदूत का मतलब क्या होता है मैसेंजर, और मैसेंजर का मतलब हुआ यानी कि जो मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, है ना, तो राजा का जो मैसेज होता था उसी को राजदूत बोला जाता था। तो प्रशासनिक अधिकारी या फिर राजदूत के रूप में लोग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, यानी कि राजा का कोई मैसेज हुआ जो कि अमेरिका से लेकर के इंडिया आया, तो इसका मतलब वो भी यात्रा किया, तो ये भी एक प्रकार का यात्रा होता था। सातवां, घूमने फिरने के उद्देश्य से, यानी कि बहुत सारे लोग घूमते फिरते हैं उद्देश्य से, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, टूर करने जाते हैं, तो ये भी यात्रा का एक तरीके से कारण हुआ, ठीक है। तो लोग यात्राएं क्यों करते थे, ये सारा कारण है। चलिए अब देखिए, हमने जो अभी आपको बताया अल बिरूनी के बारे में, मुख्य रूप से हम लोग इस चैप्टर में तीन व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। एक है अल बिरूनी, है ना, ये 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहला प्रश्न यहां पर बनता है कब आया था, 11वीं शताब्दी में, कहां से, तो उज्बेकिस्तान से ये भारत आया था, उज्बेकिस्तान से, ठीक है, मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा अभी। दूसरा है इब्न बतूता, इब्न बतूता जो है वो आया था 14वीं शताब्दी में, ठीक है, कहां से, मोरक्को से, मोरक्को से भारत आया था, यानी कि ये मोरक्को का रहने वाला था। तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, ये आया था 17वीं शताब्दी में, और ये कहां से आया था, तो फ्रांस से भारत आया था, फ्रांस से भारत आया था, और इसका नाम में ही लिखा हुआ फ्रांसवा, मतलब फ्रांस से। उसके बाद अब्दुल रजाक जो है ये सबसे मशहूर लेखकों में से एक लेखक थे, अब्दुल रजाक, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और ये जो है रजाक ने 1440 के दशक में हैरात से भारत की यात्रा की थी, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो अब्दुल रजाक है, जो चौथा व्यक्ति आपका होगा, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ना है, थोड़ा सा आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो अब्दुल रजाक जो है वो सबसे मशहूर लेखकों में से एक लेखक अब्दुल रजाक ने 1440 के दशक में हैरात से भारत की यात्रा की थी, कहां से, हैरात से, याद रखिएगा हैरात से, कौन, अब्दुल रजाक। अगला है महमूद वली, ये जो है 1620 के दशक में, तथा शेख अली हाजिम 1740 के दशक में भारत आए थे, याद रखिएगा महमूद अली जो है वो 1620 के दशक में, तथा शेख अली जो है हाजिम जो कि 1740 के दशक में वो जो है भारत आए थे, ठीक है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, बट ये तीनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं अल बिरूनी, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आप लोग बताइए, सारी चीजें आपको समझ में तो आ रही होंगी अच्छे से, है ना। रोशनी फलक बोल रही है ख्वारिज्म शहर से, जी बिल्कुल, अभी उज्बेकिस्तान याद रखिए, ख्वारिज्म शहर भी आपको बताएंगे, सारा चीज आएगा। अभी देखिए आधुनिक में ख्वारिज्म कहा जाता है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखो
अल बिरूनी परिचय। सबसे पहले देखते हैं अल बिरूनी का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान, जिसका आधुनिक नाम उज्बेकिस्तान है ना, उस वक्त में ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। याद रखिएगा, इनका जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में, उज्बेकिस्तान जो है वो आधुनिक नाम है यानी कि नया नाम है, ठीक है, उसी के ख्वारिज्म शहर में जो है इनका जन्म हुआ था अल बिरूनी का। कब हुआ था? 973 में। यानी कि अल बिरूनी का जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में, ठीक है। ख्वारिज्म शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, और जब ख्वारिज्म नामक जगह था एक शिक्षा का केंद्र माना जाता था, जैसे दिल्ली को शिक्षा का केंद्र कह सकते हैं, पटना को कह सकते हैं, कोटा को कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मुखर्जी नगर है वो दिल्ली का मतलब कि केंद्र है, यूपीएससी का केंद्र बोल देते हैं उसको, क्यों? क्योंकि वहां पर यूपीएससी की तैयारी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। वैसे ही यहाँ पर जो ख्वारिज्म है, यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे, ख्वारिज्म जो कि एक जगह का नाम है, और अल बिरूनी जो है यहीं पे पैदा हुए थे ख्वारिज्म में ही, जो कि उज्बेकिस्तान का एक क्षेत्र का नाम है, ठीक है। तो ख्वारिज्म जो है उसको शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, जहां से अल बिरूनी अच्छी शिक्षा प्राप्त किए, बहुत अच्छी, अपने जमाने के विद्वान थे वो, अपने जमाने के, जैसे आज के दिन विद्वान होते हैं तो वो अपने जमाने के विद्वान थे, वो अपने समय के विद्वान माने जाते थे, है ना। अल बिरूनी जो है वो अपने समय के विद्वान माने जाते थे। अल बिरूनी यूनानी भाषा को छोड़, यानी कि यूनानी भाषा उसको नहीं आती थी, बाकी फारसी, सीरियाई, संस्कृत, हिब्रू, ये सभी भाषा आते थे। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बताओ निम्न में से अल बिरूनी को कौन सा भाषा नहीं आता था? तो याद रखिएगा, यूनानी, है ना। तो यूनानी भाषा उनको नहीं आता था, बाकी उनको फारसी भी आते थे, सीरियाई भी उनको आता था, संस्कृत भी आता था, हिब्रू भी आता था। देखिए, हिब्रू भाषा भी जो है वो अल बिरूनी को आते थे, ठीक है। और उन्होंने संस्कृत जो भाषा है वो इंडिया में आकर के सीखा था, ठीक है जी। समझ में आ गया अल बिरूनी के बारे में। आगे देखो, अल बिरूनी यूनानी दार्शनिक प्लेटो से, अल बिरूनी यूनानी दार्शनिक प्लेटो के कार्यों से तथा विचारों से परिचित थे, यानी कि जो यूनानी दार्शनिक प्लेटो है उनके कार्य से तथा जो भी विचार थे उनके से जो है अल बिरूनी परिचित थे। तो याद रखिएगा, इनको जो है यूनानी भाषा नहीं आती थी, बाकी ये सारा भाषा आते थे, ये उस वक्त के विद्वान माने जाते थे। इनका पैदाइश 973 ईस्वी को हुआ था, साथ ही साथ ये कहाँ पैदा हुए थे? ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म जो है वो क्या था? शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। बस ये कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि यहाँ से आपका बन सकता है। चलिए, अब देखिए उज्बेकिस्तान कहाँ पर है, तो आप लोकेशन भी देख सकते हैं। जैसे ये अपना क्या है, भारत है, इंडिया है ना, ये आपका न्यू दिल्ली, इधर आपका जम्मू कश्मीर, ये इधर है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है, इसके ऊपर में तजाकिस्तान है, ठीक है। तो तजाकिस्तान के ऊपर में जो है ये आपका है उज्बेकिस्तान, जितना भी बड़ा है। तो यहाँ जो ये लोकेशन आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, यही है ख्वारिज्म, ठीक है जी, याद रहेगा। तो इंडिया से देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान है ना, इधर तुर्कमेनिस्तान है, इधर अजरबैजान है, सारा मुस्लिम कंट्री इधर सारा, इधर भी ये उज्बेकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। तो उज्बेकिस्तान जो है यहाँ पर जो एरिया मैंने आपको बताया, यहीं पे जो है ख्वारिज्म था, ठीक है। तो लोकेशन में भी आप लोग देख सकते हैं याद करने के लिए कि इंडिया से देखिए किधर है, ये आपका ईरान हो गया, है ना, ये आपका यूनाइटेड अरब हो गया, चलिए सारा ये अजरबैजान आपका हो गया। अजरबैजान के बारे में हम लोग पढ़े थे थोड़ा बहुत, है कि नहीं, याद है कि नहीं आप लोग को अजरबैजान के बारे में क्या पढ़े थे? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा है, वैसे ही अजरबैजान और आर्मेनिया को लेकर के एक जगह को लेकर विवाद चल रहा है अभी भी, ठीक है। समझ में आ गया आपको, लोकेशन समझ में आ गया ना। चलिए अब थोड़ा सा अल बिरूनी का जीवन को पढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत पॉइंट दिया हुआ था, लेकिन क्लियर करने के लिए हम आपको थोड़ा उनका जीवनी को पढ़ाएंगे, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग जगह और मजा आए आपको पढ़ने में सारी चीजें, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, कहानी को समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। देखिये अल बिरूनी का जीवन, अल बिरूनी का जन्म ये तो आप लोग देख लिए कि 973 ईस्वी में ख्वारिज्म के इलाके में हुआ था, जिस पर उस वक्त जो है तुरान और ईरान के समानी वंश का शासन था, याद रखिएगा समानी वंश का, और ये जो अब है उज्बेकिस्तान का एक भाग है। समझ में आ गया, यानी कि अल बिरूनी का जन्म सबसे पहले 973 में हुआ था, ख्वारिज्म में हुआ था, यहां तक आपको पता है। अब उस वक्त में जो ख्वारिज्म जगह है वहां पर जो शासन जो था किसका था, तो समानी वंश का था, जैसे हड़ियक वंश होता है, मौर्य वंश होता है, वैसे एक वंश था जिनका नाम था समानी वंश, इसी का वहां पर शासन था। और ये किसका किसका, तुरान और ईरान, ये दोनों मिल करके जो है यहाँ पर इसी का शासन था, ठीक है। और ये अब उज्बेकिस्तान का एक भाग हो गया है, ये जो है अब क्या हो गया, उज्बेकिस्तान का एक भाग हो गया, मतलब ख्वारिज्म जो है उज्बेकिस्तान का भाग है, जैसे कि मैंने नक्शा में दिखाया। अल बिरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता जो है वो ईरानी थे। समझ में आ गया, अल बिरूनी का जन्म तो ख्वारिज्म में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता कहाँ के थे, ईरान के रहने वाले थे। हो सकता है ईरान से वो आ गए होंगे, क्योंकि उसी तुरान और ईरान का शासन चल रहा था ख्वारिज्म में, तो हो सकता है वो ईरान से ख्वारिज्म आ गए होंगे, और फिर यहाँ आने के बाद फिर अल बिरूनी का पैदाइश हुआ होगा, है ना। तो अल बिरूनी का जो माता पिता है वो ईरानी थे, और इनका जो जन्म है वो हुआ था ख्वारिज्म में, इसलिए उन्हें उस स्थान पर परदेशी माना जाता है। क्या माना जाता है? परदेशी। परदेशी क्यों है भी आपको समझ में आएगा, यानी कि जो उनके माता पिता है वो तो ईरान के रहने वाले थे, अब कोई आदमी अगर बाहर से आएगा तो उनको परदेशी बोलेंगे ना, या तो परदेशी या विदेशी बोलेंगे, ठीक है। तो इनके जो माता जी पिताजी थे अल बिरूनी के, उनको परदेशी बोला जाता था। क्या बोला जाता, परदेशी। और इसी कारण से उन्हें
फारसी उपनाम यानी कि फारसी टाइटल दिया गया। उपनाम का मतलब होता है टाइटल, जैसे आप टाइटल लगाते हैं, क्या क्या टाइटल लगाते हैं आप लोग, कोई सिंह लगाता है, कोई कुमार लगाता है, कोई आलम लगाता है, बहुत तरह के लोग टाइटल लगाते हैं, तो टाइटल का मतलब होता है उपनाम, ठीक है जी, जिसको बोलते हैं हम लोग लास्ट नेम। चलिए बिरुनी और उपनाम, देखिए इसी कारण से, क्योंकि उनके माता पिता बाहर के रहने वाले थे, तो इसी कारण से जो अल जो है यानी कि इनका जो नाम है वो रखा गया, उनका जो उपनाम है, उनका जो टाइटल है वो रखा गया बिरुनी। तो अगर आपको प्रश्न कोई पूछ दे कि इनका नाम बिरुनी कैसे पड़ा, क्योंकि बिरुनी का मतलब क्या होता मालूम है, बिरुनी का मतलब होता है बाहर का, ठीक है, क्योंकि बिरुनी का मतलब होता है बाहर का, यानी कि कोई अगर बाहर से आएगा तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बिरुनी, मतलब कोई अगर मान लो अमेरिका से इंडिया आया तो उनको क्या बोलेंगे, बिरुनी, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इनके माता पिता जी ईरान के रहने वाले थे, ये बाहर के थे, परदेश के थे, तो इसीलिए अल बिरुनी का नाम अल बिरुनी पड़ा, बिरुनी उनको टाइटल मिला, उपनाम मिला, क्योंकि वो बाहर के थे, ठीक है। तो वही चीज कहा गया कि इन्हें फारसी उपनाम दिया गया बिरुनी, क्योंकि बिरुनी का मतलब होता है बाहर का। आज वह अपने असली नाम के बजाय इसी नाम से फेमस है ना, और इसका असली नाम सही में कोई नहीं जानता है, आज सबको इनको बिरुनी के नाम से जानते हैं, अल बिरुनी के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे देखो ये कैसे कैसे भारत कैसे कैसे आए थे, थोड़ा सा स्टोरी को समझिए। 1017 में जब सुल्तान महमूद गजनवी ने, है ना, सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म के राज्य में यानी जहां पर अल बिरुनी रहते थे वहीं पर सुल्तान महमूद गजनवी, जो कि बहुत बार दिल्ली में हमला किया था, अपने भारत पर बहुत ज्यादा बार हमला किया था, ठीक है। तो 1017 में जब सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म के राज्य पर आक्रमण किया, इसके बाद गजनवी ने आक्रमण करने के बाद वहां के सभी प्रमुख व्यक्तियों को बंदी बनाकर अपने साथ राजधानी ले गया। कहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब ये ख्वारिज्म जगह पर जाके हमला किया महमूद गजनवी, ठीक है, पूछा भी जाता है कि वो भारत किसके साथ आए थे, तो हम लोग आंसर देते हैं गजनवी के साथ आए थे, महमूद गजनवी उनका पूरा नाम है, ठीक है। तो जब ये ख्वारिज्म पर हमला किया था महमूद गजनवी, तो उस वक्त में हमला करने के बाद जितने भी विद्वान लोग थे, अच्छे लोग थे, फेमस लोग थे, प्रमुख लोग थे, सभी को बंदी बना के, सभी को गुलाम बना करके अपने साथ अपने राजधानी लेके आया था। उनका राजधानी का नाम था गजनी, उनका राजधानी था गजनी, ठीक है। और अल बिरुनी भी उन बंदी में शामिल था, और इन बंदी में यानी कि जो जिस जितने लोग को गुलाम बना के लेके आ रहा था, तो उन गुलामों में एक और शख्स था जिनका नाम था अल बिरुनी, ठीक है। अल बिरुनी अपने जमाने में बहुत ज्यादा जानकार और पढ़े लिखे थे, जिससे महमूद गजनवी बहुत प्रभावित हुए, यानी कि अल बिरुनी क्योंकि बहुत ज्यादा विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तो जिससे महमूद गजनवी को ना बहुत अच्छा लगा कि अरे इस हद तक भी लोग पढ़े लिखे इस जमाने में हो सकते हैं क्या। फिर महमूद गजनवी जो है अल बिरुनी के, मतलब कि अल बिरुनी को रिहा कर दिया, मतलब वो प्रभावित हो गए, वो बहुत अच्छा लग गया उनको, अल बिरुनी जो है उनको बहुत अच्छा लग गए, जिसके वजह से महमूद गजनवी जो है वो अल बिरुनी को छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ता तो आज जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम पढ़ रहे बिल्कुल नहीं पढ़ते, है ना। चलिए इसलिए जो है अल बिरुनी ने महमूद गजनवी ने अल बिरुनी को रिहा कर दिया, मतलब छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद क्या हुआ, अल बिरुनी ने भारत के बारे में जो है बहुत कुछ सुन रखा था, यानी कि वो भारत के बारे में बहुत कुछ पहले से जानता था, भारत के बारे में वो बहुत बार सुना था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे राजा महाराजाओं का शासन है, ये देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था उस वक्त में, और बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा, तो भारत के बारे में जो है ना वो बहुत कुछ सुन रखा था। तो अल बिरुनी ने भारत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, भारत जैसे महान देश के बारे में अल बिरुनी ने इतना सुन लिया था कि उसे भारत आने का मन किया। फिर वो भारत आए, भारत में आकर उन्होंने संस्कृत भाषा सीखा और भारत की संपूर्ण यात्रा भी की, ठीक है। तो पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा उन्होंने कहां पर सीखा था, तो वो भारत आकर के सीखा था, क्योंकि संस्कृत भाषा भारत में ही चलती थी। और साथ ही साथ ये भारत आए थे, कब आए थे, तो महमूद गजनी के बाद आए थे, कहने का मतलब वो रिहा कर दिया था तब वो भारत आए थे। समझ में आ गया आपको प्रश्न, लेकिन पूछा जाता किसके साथ आए थे, तो आपको आंसर लगाना महमूद गजनी के साथ, ठीक, चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि वो भारत जो है आ चुके हैं, कौन, अल बिरुनी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो एनसीईआरटी में जो है ना आपका क्या है कि अल बिरुनी है, फिर इब्न बतूता है, फिर अल बिरुनी है, फिर इब्न बतूता है, मतलब अलग अलग टॉपिक है। तो हमने क्या किया है, अल बिरुनी से जितना भी पॉइंट है सबको एक जगह, यानी कि अल बिरुनी का शुरू किए हैं तो अल बिरुनी का खत्म करके मानेंगे, फिर इसके बाद इब्न बतूता का शुरू करेंगे, फिर इब्न बतूता का खत्म करके फिर फ्रांसवा बर्नियर का शुरू करेंगे। तो हम आपको तीन टॉपिक मात्र पढ़ाएंगे, एक अल बिरुनी, एक इब्न बतूता, एक फ्रांसवा बर्नियर, इस तरह से। लेकिन एनसीईआरटी में अल बिरुनी, इब्न बतूता, फिर अल बिरुनी, फिर इब्न बतूता, फिर फ्रांसवा बर्नियर, मतलब बार 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 वही रिपीट है। अब एक बार में अगर आपको पढ़ाएंगे तो चीजें जो है वो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए जी, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज आप लोग कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। देखते हैं आप अल बिरुनी की भारतीय यात्रा, यानी कि भारत की जो यात्रा, वो जब भारत आए तो उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या चीजों के बारे में हम लोगों को बताया, है ना। देखो सन 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ख्वारिज्म पर हमला कर अल बिरुनी सहित वहां के विद्वानों तथा कवियों को बांधकर गजनी ले गया। कब, 1017 में, जो सुल्तान महमूद गजनी था जो कि ख्वारिज्म पर हमला किया था, और अल बिरुनी सहित वहां के जो भी विद्वान थे, जो भी प्रमुख लोग थे, जो भी कवि थे, उनको बांधकर लेके आया, जो कि आपको पता है गजनी में
अल बिरूनी ने भारत के बारे में अच्छी तरह से जाना तथा उन्हें भारत आने का रुचि हुई, यानी कि गजनी जो कि राजधानी था, किसका राजधानी था, गजनी जो कि राजधानी था अल महमूद गजनवी का, है ना, महमूद गजनवी जिसका नाम था, तो वो उसका राजधानी, जैसे हर राजा का राजधानी होता है, जैसे हम लोगों ने मौर्य वंश के बारे में देखा, पाटलिपुत्र राजधानी, राजगृह राजधानी, पाटलिपुत्र राजधानी, है ना, तो ठीक वैसे ही जो है जो महमूद गजनवी था तो उनका राजधानी का नाम था गजनी, और सभी को बंदी बना करके अपना राजधानी लेके गया, यानी कि गजनी लेके गया, ठीक है। तो भारत के बारे में वहां पर उन्होंने बहुत कुछ जाना, किसने जाना भारत के बारे में, अल बिरूनी ने, कहां पर, गजनी में जाकर के। फिर अल बिरूनी विद्वानों तथा ब्राह्मण पुराहितों के साथ रहकर संस्कृत, दर्शन, धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित किया, यानी कि अल बिरूनी जब भारत आए तो यहां पर विद्वानों के साथ रहकर के साथ ही साथ ब्राह्मण पुराहितों, पुराहित का मतलब क्या होता है, पुराहित का मतलब होता है जैसे उस वक्त में ना राजाओं का महाराजाओं का घर होता था, है ना, राजाओं का महाराजाओं का जो घर होता था ना, तो जो भी राजा होते थे या फिर बड़े बड़े आदमी होते थे तो वो क्या करता था, एक पंडित को रख लेता था हमेशा के लिए, कोई भी छोटा मोटा पूजा करने के लिए या बड़ा से बड़ा पूजा करने के लिए उस पंडित को हमेशा अपने घर में रख देता था, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है पुरोहित, ब्राह्मण पुरोहित बोला जाता है, समझ में आ गया ना, यानी कि मान लो कोई, मान लो हम राजा हैं तो हम क्या किया, एक पंडित को हमेशा के लिए रख दिए, कोई छोटा सा छोटा पूजा, बड़ा से बड़ा पूजा, कोई भी यज्ञ कुछ भी करवाना हो उसी के द्वारा करवा रहे, वो हमेशा के लिए, तो उसी को पुरोहित बोला जाता था। तो अल बिरूनी जो है वो विद्वानों के साथ भारत में साथ ही साथ ब्राह्मण पुरोहितों के साथ रह करके संस्कृत भाषा को सीखा, यहाँ का दर्शन के बारे में, यहाँ के बारे में अच्छे से जाना, साथ ही साथ धर्म के बारे में यहाँ का जाना कि किस तरीके का धर्म लोग फॉलो करते हैं, कौन कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, सभी चीजों के बारे में जो अल बिरूनी है वो जाना। उसके बाद अल बिरूनी के यात्रा के बारे में पंजाब तथा उत्तरी भारत के कई भागों में से प्रतीत होते हैं, यानी कि अल बिरूनी का जो सच में अल बिरूनी भारत आए थे, तो इसके बारे में पंजाब तथा उत्तरी भारत के कई ऐसे भाग है जहां से हम लोगों को मालूम होता है कि अल बिरूनी जो है वो सच में भारत आए थे, ठीक है, वो भारत आए भी थे या नहीं, तो सच में आए थे या नहीं, तो ये पंजाब और उत्तरी भारत के कई भाग है जहां से हम लोगों को पता चलता है कि अल बिरूनी जो है वो सच में भारत आए थे, ठीक है। चलिए, तो अल बिरूनी के बारे में जो तीन चार क्वेश्चन है बस वही पूछा जाता है, मैं आपको कई बार शुरू से कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, किसके साथ भारत आए, कब आए, कौन कौन सी भाषा सीखा, बस यही कहाँ का था। चलिए, अब देखिए अगला टॉपिक है किताबुल हिंद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा जाता है। अल बिरूनी के बारे में देखिए, अब उनके किताब के बारे में देखिए, फिर थोड़ा बहुत अल बिरूनी के बारे में देखेंगे। देखिए अल बिरूनी, सबसे पहले अल बिरूनी जो किताब है प्यारे बच्चों वो लिखा गया था अरबी भाषा में, याद रखिएगा ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, अरबी भाषा में, और जो आपका रिहला है वो भी अरबी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और ये किताबुल हिंद जो है वो किसका किताब है, तो किताबुल हिंद जो है वो किताब है अल बिरूनी का, ये दो पॉइंट तो आपको याद ही होगा। अब देखिए, ये अरबी भाषा में अल बिरूनी द्वारा लिखी गई उनकी कृति है, यानी कि ये जो किताब है किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, अल बिरूनी के द्वारा, कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में, आप लोग भी कमेंट कीजिए मेरे साथ साथ। किताबुल हिंद में सरल तथा अस्पष्ट भाषा है, किताबुल हिंद में सरल का मतलब हो गया आसान, बिल्कुल आसान, साथ ही साथ अस्पष्ट, बिल्कुल सटीक, कोई घुमा रहा नहीं, ठीक है। तो किताबुल हिंद जो किताब है वहां पर जो भी चीज लिखी गई है भारत के बारे में, भारत के अलग अलग जगहों के बारे में, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिल्कुल सरल भाषा में लिखा गया है। इसमें टोटल 80 अध्याय है, मतलब कितना चैप्टर है, 80 चैप्टर है, 80 समझिए, जैसे इतिहास में आपका 15 चैप्टर है 12th क्लास का इतिहास में, तो ठीक वैसे ही ये जो किताब है आपका किताबुल हिंद, यहाँ पर टोटल 80 चैप्टर है, ठीक है, 80 भागों में उसको बांटा गया है। प्रत्येक अध्याय में, यानी कि प्रत्येक चैप्टर में विशेष दर्शन के बारे में, कोई चैप्टर में धर्म के बारे में, कोई चैप्टर में त्यौहार के बारे में, कोई अध्याय में खगोल विज्ञान के बारे में, कोई चैप्टर में रीति रिवाज के बारे में, कोई चैप्टर में उस वक्त का प्रथा के बारे में, जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, ये सब था, कोई चैप्टर में भार तौल के बारे में कि कैसे नाप तौल होता था, कोई चैप्टर में मूर्तिकला के बारे में किस तरीके से मूर्ति वगैरह बनाई जाती थी, और कोई चैप्टर में और भी बहुत चीजों के बारे में ऐसे दिया गया, यानी कि टोटल अल बिरूनी के द्वारा जो किताब दिखाया गया था किताबुल हिंद उसमें टोटल 80 चैप्टर है, और 80 चैप्टर में अलग अलग चीजों के बारे में वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है, जैसे कोई चैप्टर में होगा दर्शन के बारे में बताया गया, कोई चैप्टर में धर्म के बारे में, कोई चैप्टर में उस वक्त का मूर्तिकला के बारे में, कोई चैप्टर में नापतौल कैसे होता था, उस वक्त में कैसे चीजों को नापा जाता था, उसके बारे में जो है 80 अध्याय में दिया गया है, ठीक है। इसमें अल बिरूनी के गणित की ओर आकर्षण का भी मालूम चलता है, यानी कि ये किताब जब आप पढ़ेंगे किताबुल हिंद तो इससे आपको पता चलेगा कि अल बिरूनी जो है वो गणित के भी बहुत बड़े मतलब कि ज्ञानी थे, या फिर कह सकते हैं कि उनको जो है गणित की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, है ना, चीज आपको समझ में आ रही किताबुल हिंद के बारे में। चलो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो पीडीएफ ले लीजिए प्लीज। चलो आगे देखिए, अल बिरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था, अब अल बिरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था के बारे में देखते हैं, यहाँ का जो जाति व्यवस्था जो कि आज भी है, कई जाति है, कई उपजाति है, कई कई उपजाति का भी जाति है, समझ में आ रहा, उपजाति का उपजाति बोलेंगे उसको, ठीक है। देखो अल बिरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था
इनके अनुसार प्राचीन भारत में चार सामाजिक वर्गों को मान्यता प्राप्त थी, यानी कि ये कहते हैं कि उस वक्त में जब ये यहाँ पर आए थे, यहाँ पर कब आए थे, 11वीं शताब्दी में, है ना। यहाँ पर अल-बिरूनी कब आए थे प्यारे बच्चों, फटाफट बोलिएगा, 11वीं शताब्दी में। तो जब ये भारत आए थे तो यहाँ पर इन्होंने चार तरह के लोगों को देखा, चार तरह के ग्रुप के लोगों को देखा जिसको यहाँ पर सम्मान प्राप्त थे, यानी कि उनको यहाँ पर इज्जत मिलता था। सबसे पहला है घुड़सवार तथा शासक वर्ग। घुड़सवार का मतलब जिनको उस वक्त में घोड़े की सवारी करना आता था, जिनको घोड़ा चलाना आता था, बेसिकली कह सकते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी। दूसरा शासक वर्ग। शासक वर्ग का मतलब जो राजा होते थे, जो महाराजा होते थे, या राजाओं का बेटा होते थे, राजाओं की पत्नी बेटी, जो भी राजा से जुड़े हुए लोग होते थे, शासक वर्ग उसको बोला जाता है ना। तो उनको जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त थी, है ना। तो अल-बिरूनी कहते हैं कि इन जातियों को जो है, यानी कि इनके अनुसार प्राचीन भारत में जब ये आए थे 11वीं शताब्दी में, तो ये जो सामाजिक वर्ग है इनको मान्यता प्राप्त था, जिनको घुड़सवारी करनी आती थी, जिनको राजा महाराजाओं का बेटा को राजा को उनको इज्जत था। उसके बाद भिक्षु वर्ग। भिक्षु क्या बोला था, भिक्षु का मतलब मैंने आपको कई मीनिंग बताया था, जैसे एक मीनिंग तो सबसे पहले आप ले लीजिएगा सन्यासी, है ना। भिक्षु का मतलब क्या होता है, सन्यासी। एक आप बोल सकते हैं कि भीख मांगने वाला भी बोल सकते हैं, भीख मांगने वाला, या फिर बेसिकली भिक्षु का अगर सही मतलब बताएं तो जो दीक्षा पर डिपेंडेंट हो, मतलब जैसे हम लोग मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाकर के जो दान करते हैं, है ना, तो दान जो करते हैं तो वो दान लेने वाला जो व्यक्ति होता है, क्योंकि वो और कोई काम नहीं करता, बस वो हम लोगों का दान लेता है और उसी से वो अपना पेट पूजा करता है ना, अपना जीवन यापन करता है, जिंदगी गुजारता है। तो जिंदगी जो गुजारने वाला होता है उसी को हम लोग भिक्षु बोलते हैं, या फिर सन्यासी, या फिर भिखारी भी कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो भिक्षु वर्ग के जो लोग थे इनको भी बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त था, समझ में आ गया। अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक वर्ग। अनुष्ठानिक पुरोहित का मतलब वही हुआ, मैंने जैसे कहा कि राजाओं के घर में जो पंडित हुआ करते थे उस वक्त में, छोटा छोटा पूजा करने के लिए, छोटा तरह का किसी छोटा पूजा, बड़ा पूजा, कोई यज्ञ वगैरह करने के लिए, उसी को पुरोहित बोला जाता है। साथ ही साथ चिकित्सक वर्ग, यानी कि जो डॉक्टरी वगैरह से रिलेटेड थे, अब उस वक्त में जो डॉक्टर नहीं था, तो जो हकीम वगैरह था, है ना, जड़ी बूटी से, जंगलों की दवाई से जो इलाज वगैरह कर देते थे, उपचार कर देते थे, तो इन लोगों को भी ना बहुत ज्यादा इज्जत थी। जैसे आज के दिन भी इन लोगों का वैसे बहुत ज्यादा इज्जत है, पंडितों का भी बहुत ज्यादा इज्जत है, इन लोगों का भी है, डॉक्टर का जानते ही आप लोग, उस वक्त में भी थी, ठीक है। खगोल शास्त्री, अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। शिल्पकार का मतलब होता है जो हाथों से चीज को बनाता है। देखिए ये सब हम बार बार मीनिंग बोल रहे हैं, तो आप लोग को प्लीज चीजों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको एक तो आसान भाषा में भी बता रहे हैं, फिर आपको मतलब भी बता रहे हैं, ठीक है। शिल्पकार का मतलब क्या होता है, जो हाथों से चीजों को बनाता है, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसको भी शिल्पकार बोलेंगे, कोई हाथ से कोई चीज बुनता है उसको भी शिल्पकार बोलेंगे, ठीक है। तो हाथों से बनाना बेसिकली उसका मतलब होता है। कृषक का मतलब तो आप तो जानते हैं, किसान, है ना, और वैज्ञानिक का मतलब तो आप लोग जानते हैं, साइंटिस्ट। तो इन लोगों को भी जो है बहुत ज्यादा उस वक्त में मान्यता प्राप्त था, इन सामाजिक वर्गों को, ठीक है जी। समझ में आ गया किसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, अल-बिरूनी के अनुसार इन जाति व्यवस्था को बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त था। चलिए अब आगे देखिए, अल-बिरूनी के अनुसार इस्लाम धर्म में सभी लोगों को समान माना जाता था, यानी कि अल-बिरूनी कहते हैं कि इस्लाम में जो भी इस्लाम में थे उनको समान माना जाता था, कोई ऊंच नीच नहीं था, है ना, आज के दिन भी है। लेकिन वो कहते हैं आगे देखिए, अल-बिरूनी के अनुसार इस्लाम धर्म में सभी लोगों को समान माना जाता था, केवल उनके धर्म के पालन करने का तरीका अलग अलग था। अब पालन करने का तरीका का क्या मतलब हुआ, सभी को देखिए, जैसे हिंदू धर्म में क्या है, पंडित है, फिर उसके नीचे है, फिर उनके नीचे है, फिर उसके नीचे है, लास्ट में बहुत जो हम लोग बीसी बीसी टू बोलते हैं, अनुशासित जाति, बहुत छोटे जाति भी आते हैं, बहुत बड़े जाति भी आते हैं, ठीक है। ब्राह्मण को सबसे बड़ा जाति जैसे बोला जाता है, ठीक है। तो अल-बिरूनी कहते हैं कि इस्लाम में सभी को बराबर माना जाता था, कोई ऊंचा छोटा जाति ज्यादा बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन सभी का मान्यता अलग था। मतलब जो वो लोग पूजा करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ने का तरीका अलग था, या फिर जो जिस तरीके से वो अपना धर्म को मानते हैं। कहने का मतलब आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो कि मजार में जाके चादर चढ़ाते, बहुत सारे लोग हैं जो कि मजार में जाके चादर नहीं चढ़ाते, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, मानने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हुआ। बेसिकली नमाज वगैरह सब पढ़ते हैं, रोजा सब रखते हैं इस्लाम में, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो कि अलग होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे वही चादर का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर आप शिया का और सुन्नी का बात करेंगे, शिया जो कि ईरान में होता है और सुन्नी जो कि भारत में है, ठीक है, तो शिया सुन्नी में देखेंगे बहुत सारा अंतर आपको दिखेगा। जैसे वो लोग नमाज कम पढ़ते हैं, यहाँ पर पांच वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, फिर बहुत तरह के डिफरेंसेस है दोनों चीजों में। वो लोग खलीफा जो है, सबसे पहला खलीफा कहते हैं कि हजरत अली है, लेकिन इस्लाम में ऐसा है कि हजरत जो अबू बकर सिद्दीक वो सबसे पहला खलीफा है, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि सभी लोग तो एक है, सभी लोग को एक ही समान चीज प्राप्त है, लेकिन जो मानने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। अब देखिए, जाति व्यवस्था के अंतर्गत अल-बिरूनी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था
माना, यानी कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत अलिवर्णी को दिखा ब्राह्मणी व्यवस्था। अब ब्राह्मणी व्यवस्था का मतलब क्या आपको पता है? जो हम चार वर्ण आपको बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसी को ब्राह्मणी व्यवस्था या फिर वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। यानी कि ब्राह्मण जो कहते हैं कि ऐसा इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जाति व्यवस्था के अंतर्गत अल बिरूनी ने ब्राह्मणी व्यवस्था माना, पर उनके अपवित्रता के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। अपवित्रता यानी कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तो माना, लेकिन वो अपवित्रता को लेकर के कुछ अलग ही चीज बोलता था। अपवित्रता का मतलब नापाक, अपवित्र जिसको बोलते हैं। तो अपवित्रता का जो सिद्धांत है ब्राह्मणवादी का या फिर ब्राह्मणों का, तो इसको जो है मानने से इनकार कर दिया। कौन? अल बिरूनी। क्योंकि देखिए उनके अनुसार क्या था कि वस्तु जो है वो अपवित्र हो जाती है, पर पुनः वो प्रयास कर पवित्रता की मूल स्थिति को प्राप्त कर लेती है। मतलब ब्राह्मणवाद का कहना था, ब्राह्मण व्यवस्था का कहना था कि कोई भी वस्तु है जो कि अपवित्र हो जाए यानी कि नापाक हो जाए, तो फिर से उसको पवित्र कर सकते हैं, फिर से उसको पाक कर सकते हैं। लेकिन अल बिरूनी जो है इसी चीज को नहीं मान रहा था। वो ब्रह्मादि व्यवस्था को माना, लेकिन इस पॉइंट को वो नहीं माना। कौन? अल बिरूनी। चीजें समझ में आ रही है आपको? सारा चीज जाति व्यवस्था के बारे में देख रहे हैं। अल बिरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था तो इस्लाम में सभी को समान माना जाता था, लेकिन मानने का तरीका जो है अलग अलग था, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अल बिरूनी के अनुसार निर्धारित उद्देश्य को समझने में बहुत सारी समस्याएं तथा अवरोध आती थी, जिनमें से, यानी कि अल बिरूनी कहता है कि कोई भी उद्देश्य को, कोई भी चीजों को समझने के लिए, अब यहाँ पर किस तरह का नियम है, क्या नियम है, नहीं है, इन चीजों को समझने के लिए लोगों को बहुत तरह की परेशानी आती थी, है ना। जिसमें से तीन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला अवरोध, अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अभी समझिए, आपको चीजें समझ में आएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो अल बिरूनी को जो पहला रुकावट आता था कि यहाँ पर जो अरबी भाषा है, जो फारसी है, जो संस्कृत है, ये तीनों अलग है ना। अरबी भाषा वो अलग है, फारसी भाषा वो बिल्कुल अलग है, संस्कृत भाषा वो भी बिल्कुल अलग है, लेकिन विचारकों तथा सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करना मुश्किल होता था। अब कहने का मतलब क्या है, यानी कि अल बिरूनी कहता है कि यहाँ पर कोई उद्देश्य को लोगों को समझाने में ना बहुत तरह की दिक्कत आती थी। मतलब मान लो कोई चीज है जो कि हिंदुओं के लिए संस्कृत में लिखी हुई है ना। अब क्योंकि वो हिंदुओं के लिखी हुई है, अब हमको हिंदुओं को समझाना है, साथ ही साथ मुसलमानों को भी बताना है कि भाई देखो ये उनका धर्म में ये चीज ऐसा लिखा हुआ है। तो अब अल बिरूनी को यहाँ पर दिक्कत क्या आता था कि वो संस्कृत में है, अब संस्कृत सीखो, फिर संस्कृत सीखने के बाद फिर उनको ट्रांसलेट करो किसमें, अरबी में या फारसी में, जिसमें लोग समझ रहे हो, तो इसमें जो है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, ठीक है। तो अरबी, फारसी, संस्कृत भाषा इतनी अलग थी, इतना अलग था, बिल्कुल अलग है भाई। अरबी भाषा बिल्कुल अलग है, फारसी बिल्कुल अलग है, संस्कृत भी बिल्कुल अलग है। तो ये इतना अलग था कि इनमें जो भी विचार दिया हुआ था, जो भी सिद्धांत दिया हुआ था, इनको एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करना बहुत मुश्किल होता था, या फिर कहे कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, है ना। दूसरा अवरोध, जो दूसरा रुकावट था अल बिरूनी के लिए, वो क्या था? उपमहद। ये रुकावट किस चीज का, यानी कि कोई भी चीजों को, जब अल बिरूनी कोई चीज को समझाना चाहते थे, है ना, अल बिरूनी के अनुसार निर्धारित उद्देश्य को, यानी कि उनके ग्रंथ में, उनकी किताब में जो भी उद्देश्य दिया गया है, उनको जब वो समझाना चाहते थे तो उनको इन मुश्किलात की सामना करना पड़ता था। इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की परेशानी उनको आती थी, जिसमें पहला परेशानी हमने आपको बताया भाषा का। दूसरा, उपमहाद्वीप में प्रथा और धार्मिक अवस्था में काफी विविधता थी, यानी कि जो उपमहाद्वीप में जो लोग रहते थे उनकी प्रथा में, साथ ही साथ जो धार्मिक व्यवस्था है, इनमें बहुत तरह की विविधता थी, अलग अलग मानते थे। कहने का मतलब क्या हो गया? अब ये प्रथा देखिए, देखो जो सती प्रथा, दास प्रथा, अब कहीं पे सती प्रथा का कुछ अलग मतलब था, कहीं पे थोड़ा बहुत अलग था। सती प्रथा तो सेम था, दास प्रथा का बहुत तरह का डिफरेंस था, है ना। सती प्रथा का मतलब क्या होता है, जैसे पहले उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी मरना पड़ता था। तो वही चीज कह रहा है कि उपमहाद्वीप में अगर वो जाता था जब, तो वहां पर भी प्रथा लोग अलग मानते थे, धार्मिक अवस्था जो है वहां पर अलग था, कुछ कुछ नियम बहुत तरह के अलग अलग, कभी कभी देखिएगा ना, वंश के आधार पर भी होता है, कभी कभी खानदान के आधार पर भी होता है। अब कोई अगर ज्यादा पैसा है तो वो पूजा पाठ कुछ अलग ही तरीके का करवा रहा है, कोई गरीब है तो वो कुछ अलग ही तरीके से करवा रहा है ना। तीसरा जो अवरोध था वो क्या था, अब इसको भी समझाने में दिक्कत हो गया कि भाई वहां पर ये चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है। तीसरा अवरोध क्या था? तीसरा अवरोध अल बिरूनी ने अभिमान को माना। अभिमान का अर्थ होता है घमंड, है ना। यानी कि जो तीसरा अवरोध है वो अल बिरूनी को लगा घमंड के बारे में, है ना। अभिमान, अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड। अभिमान नहीं करना चाहिए जिंदगी में किसी को, मतलब घमंड मतलब प्राउड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो तकब्बुर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो तीसरा अवरोध जो है अल बिरूनी ने अभिमान को माना। अभिमान का अर्थ क्या होता है? घमंड, अहंकार, ठीक है। यानी कि यहाँ के लोगों में उस वक्त में जो घमंड है बहुत ज्यादा था, अहंकार बहुत ज्यादा भरी हुई थी, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये तीन मुश्किलें जो है उनको आती थी कोई भी चीज को समझाने में लोगों को, ठीक है। आगे देखो, अल बिरूनी भारतीय समाज को जानने के लिए वेद, पुराण, वेद टोटल कितने हैं? वेद टोटल चार है, वेदों की संख्या चार है,
पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है ना। उसके बाद मनुस्मृति, भगवद गीता जिसको भगवान का गीता कहते हैं, इत्यादि का अध्ययन किया। यानी कि अल बिरूनी ने भारतीय समाज को जानने के लिए, या फिर कहे हिंदू धर्म को जानने के लिए, या फिर भारतीय समाज को जानने के लिए, भारतीय सोसाइटी को जानने के लिए उन्होंने वेद को भी पढ़ा, पुराण को भी पढ़ा, मनुस्मृति जो किताब है जो कि मनु के द्वारा लिखा गया है इसको भी पढ़ा, भगवद गीता जो किताब है उनको भी पढ़ा। समझ सकते हैं भगवद गीता क्या होता है? एक अंश है किसका? महाभारत का। याद है कि नहीं आप लोगों को? चलिए अच्छा, भगवद गीता में कितना चैप्टर है बोले तो? मनुस्मृति भगवद गीता इसमें कितना कितना चैप्टर है? जो आंसर दे देंगे आज समझ लेंगे कि एकदम जगजब आप लोग पढ़ाई करते हैं। फटाफट बताइए। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मनुस्मृति में जो है टोटल आपका 18 चैप्टर था, ठीक है। और 18 चैप्टर था किसमें? मनुस्मृति में, जो कि मनु के द्वारा लिखा गया था। और भगवद गीता में जो है टोटल आपका 12 चैप्टर था। भगवद गीता मतलब भगवान का गीता, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इब्न बतूता के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अल बिरूनी के बारे में हम लोगों ने सारा चीज पढ़ लिया। अब इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। वैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आपको करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल इब्न बतूता के बारे में लोग देखते हैं, जो कि दूसरा टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, इब्न बतूता। अब इब्न बतूता के बारे में तो जानते हैं कि इब्न बतूता के ऊपर जो किताब लिखा गया, जो यात्रा वृत्तांत उसको कहते हैं, जिसका नाम है रेहला। इब्न बतूता जो पैदा हुआ था मोरक्को में, ये जो है ना घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौकीन था। मतलब इनको, ये तो सबसे पहले शिक्षित परिवार से थे, ये भी बहुत पढ़े लिखे थे, साथ ही साथ इसको घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। होता ना किसी किसी को, सिर्फ घूमते रहेगा साइकिल लेके पैदल, ये वो, मतलब कोई खाना पीना भी भूल जाता। तो ठीक वैसे ही जो है इब्न बतूता भी था, ठीक है। देखिए इब्न बतूता का जन्म हुआ था तैंजियर के एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में हुआ था, है ना। यानी कि तैंजियर के एक सम्मानित और एक शिक्षित परिवार में इब्न बतूता का जन्म हुआ था, जो इस्लामिक कानून के विशेषक अनुयायी के रूप में जाने जाते थे। इस्लामिक कानून किसको कहते हैं? इस्लामिक कानून का मतलब होता है जो शरिया कानून होता है, यानी कि जो शरिया लॉ होता है, जिसको हम लोग इस्लामिक कानून कहते हैं। जैसे अरब जो देश है वहां पर शरिया कानून चलता है, ठीक है। तो ये जो है इब्न बतूता इस्लामिक कानून के विशेषक अनुयायी थे, यानी कि ये इब्न बतूता जो है वो शरिया कानून को मानते थे, शरिया कानून को फॉलो करते थे। और इब्न बतूता का जन्म कहाँ पर हुआ था? तैंजियर के एक सम्मानित परिवार और एक शिक्षित परिवार में हुआ था, ठीक है। इब्न बतूता पारिवारिक परंपरा के मुताबिक कम उम्र में ही शास्त्र रूढ़ और साहित्य शिक्षा प्राप्त कर ली थी। कहने का मतलब है, जैसे क्योंकि उनके परिवार बहुत शिक्षित थे, बहुत पढ़े लिखे थे, तो इब्न बतूता भी जो है वो बहुत ही कम उम्र में बहुत तरह के ग्रंथ, चाहे वो अपने धार्मिक से रिलेटेड हो, वो पढ़ लिए थे। जैसे उनके कुरान हो गया, जो भी हदीसे की किताब होती थी इब्न बतूता के अनुसार, ठीक है। तो इब्न बतूता ने बहुत सारे शास्त्र रूल और साथ ही साथ बहुत तरह की साहित्यिक शिक्षा जो है उन्होंने प्राप्त भी कर ली थी। साथ ही कह सकते कि वो जो है अध्ययन कर चुके थे। कौन? इब्न बतूता, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो बहुत पढ़े लिखे थे। अच्छा, ये कहाँ का रहने वाला था प्यारे बच्चों? ये जो है मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। अब मोरक्को कहाँ पर है? थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे ये अपना क्या है, इंडिया है ना। तो इंडिया से इतना दूर यहाँ पर जो है आपका मोरक्को है, इसका नाम क्या है? मोरक्को है ना। ये आपका क्या है? मोरक्को है। तो देख लीजिए आप लोग, मोरक्को बिल्कुल एक साइड में आपका है मोरक्को, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को लोकेशन? जैसे ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, सूडान, इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, निगार, नाइजीरिया सुने होंगे, अल्जीरिया सुने होंगे, माली आप लोग सुने होंगे, जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाता है ना। माली के बाद एक और देश आता है, पता नहीं मौरी तनिया क्या नाम है, उनके बाद इधर ही जो है अल्जीरिया के बगल में आपका जो है, अल्जीरिया के बारे में तो जरूर सुने होंगे, लीबिया, अल्जीरिया, तो यहीं पर आपका मोरक्को है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया यहाँ पर है और मोरक्को आपका यहाँ पर है, और इब्न बतूता का जो है यहीं पर जन्म हुआ था, और यहाँ से ये घूमने के लिए यहाँ आए थे। कितना दूरी है भाई, कैसे आया होगा उस वक्त? भाई कब आया था? 14वीं शताब्दी में, ठीक है। जैसे अल बिरूनी आया था 11वीं शताब्दी में, तो ये आया था 14वीं शताब्दी में, यानी कि 1300 समथिंग कुछ साल था। चलिए समझ में आ गया आपको, आगे देखिए। इब्न बतूता का रेहला, इब्न बतूता का जो रेहला जो किताब है उनको देखते हैं। देखो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत था, यानी कि इसको क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत कहते हैं, यात्रा वृत्तांत, जो कि लिखा गया था इब्न बतूता के द्वारा। रेहला को भी अरबी भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा, रेहला जैसे आपका किताबुल हिंद अरबी भाषा में था, ठीक वैसे जो रेहला है वो भी आपका अरबी भाषा में ही था। इस रेहला में 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारियां प्रचुर में है। प्रचुर का मतलब है भरपूर मात्रा में, है ना, भरपूर मात्रा में, ठीक है। यानी कि जब वो यहाँ पर आए थे 14वीं शताब्दी में, तो उस वक्त की यहाँ की जो भारतीय स्थिति थी, या फिर जो भी भारत की स्थिति थी, कहने का मतलब यहाँ पर जो भी सामाजिक स्थिति, जो भी आर्थिक स्थिति, किस राजा का राज चलता था, किस वंश का राज चलता था उस वक्त में, यहाँ पर ना गुलाम वंश था, गुलाम वंश, ठीक है।
तो किस राजा का शासन चलता था उन्हीं के बारे में जो जानकारी है वो भरपूर मात्रा में दिया गया था इस किताब में, यानी कि रेहला में, जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो उस वक्त की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जो है बहुत ही अच्छे से जानकारी दी गई थी इस किताब में। ठीक है, अब देखते हैं इब्न बतूता की कुछ यात्राएं, ध्यान से सुनिएगा। इब्न बतूता जो है वो यात्रा का शौकीन था, जैसे कि मैंने कहा इब्न बतूता जो है उनको यात्रा करने की बहुत ज्यादा शौक था। जो नए नए देशों तक गया तथा वहां के बारे में जानकारी हासिल की, और ये बहुत सारे देशों में घुमा था, ये पहले भारत नहीं, भारत से पहले भी बहुत जगह ये जा चुके थे। कौन? इब्न बतूता। तो ये क्योंकि इसको यात्रा का बहुत ज्यादा शौकीन था, ये घूमने फिरने में बहुत ज्यादा माहिर थे, इसलिए कई देशों पर ये गया और उनके बाद वहां के बारे में भी जो है ये जानकारी हासिल किया। क्योंकि कोई भी लोग घूमता है ना तो सिर्फ घूमता नहीं था, पढ़े लिखे थे तो वहां पर पता लगाता था कि यहाँ के लोगों की स्थिति कैसे है, यहाँ पर गरीब लोगों की स्थिति क्या है, यहाँ का राजा कैसे राज कर रहा है, यहाँ पर प्रजा की क्या हालत है, इनके बारे में जो है ना इब्न बतूता अक्सर लिखा करता था। जैसे भारत में आया 14वीं शताब्दी में, यहाँ पर भी वो जो है लिखा। 1332-33 में इब्न बतूता भारत के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने मक्का के तीर्थ यात्राएं की भी की थी। तीर्थ यात्राएं का मतलब हो गया वही हज भी किए थे, है ना, हज भी किए थे। यानी कि कहने का मतलब है भारत आने से पहले, भारत के लिए वो कब रवाना हुए थे, रवाना का मतलब अपना रास्ता छोड़ देना, मतलब जैसे हम कहीं के लिए निकल रहे हैं, मान लो हमको दिल्ली जाना है तो हम क्या बोलेंगे, दिल्ली के लिए रवाना हो गए, मतलब दिल्ली के लिए रास्ता छोड़ दी, मतलब दिल्ली के लिए निकल गए। ठीक है, तो ये जो है इब्न बतूता जो है 1332-33 में, हम आपको शताब्दी के बारे में कई बार बता चुके हैं, शताब्दी किसे कहते हैं, जैसे ये आपका चल रहा है 2023, तो 2023 का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा शताब्दी होगा, ये होगा 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी, समझ में आ गया आपको। अगर हम लोग बोलेंगे कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो 1947 का मतलब बोलेंगे कौन से शताब्दी में हुआ था, शताब्दी का मतलब टोटल 100 साल, एक शताब्दी में टोटल 100 साल आता है, तो बोलेंगे हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तो 1947 का मतलब कि 20वीं शताब्दी में। शताब्दी का थोड़ा आपको नॉलेज दे देते हैं, जैसे अगर हम बोलेंगे क्या कि आपका ये 19वीं शताब्दी चल रहा है, 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का मतलब प्यारे बच्चों हुआ, याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1800 से लेकर के, या फिर कह सकते हैं कि 1801 से लेकर के 1899 तक, या फिर 1900 तक। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 19वीं शताब्दी। ठीक, वैसे अगर हम लोग यहाँ पर 21वीं शताब्दी बोल रहे हैं, 21वीं शताब्दी, तो 21वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, सिंपली समझिए 2000 से लेकर के, ठीक है, 2000 से लेकर के 2099 तक, यानी कि इसके अंदर टोटल 100 साल आना चाहिए। इधर 2000 को लीजिए, उधर 99 को, या फिर इधर 2001 को लीजिए, उधर 2100 को, समझ में आ गया, इसी को 21वीं। फिर जब 22वीं शताब्दी किसको बोलेंगे, तो 22वीं शताब्दी बोलेंगे 2100 के बाद, तो अभी चल रहा है जैसे 2023, अगर 2024 चलता, 2025 चलेगा, 2045, 2050, 2090, 2091, 2099 तक चलेगा, तो उसको हम लोग 21वीं शताब्दी बोलेंगे, क्योंकि शताब्दी का मतलब होता है टोटल 100 वर्ष। ठीक है, तो जैसे इब्न बतूता यहाँ पर आए थे तो कौन सी शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, यानी कि वो लगभग लगभग क्या हुआ, 1300 से लेकर के 1400 के बीच में आए थे। ठीक है, जैसे इब्न बतूता अल बिरूनी जो यहाँ पर आए थे 11वीं शताब्दी में, मतलब 1000 से लेकर के 1100 के बीच में आए थे। समझ में आ गया आपको चीजें, अगर शताब्दी नहीं समझ में आ रहा है तो YouTube में एक बार आप लोग देख लीजिएगा, जरूरी है। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर आए थे 1332 से लेकर के 33 में, कौन, इब्न बतूता भारत के लिए रवाना हुए, मतलब भारत के लिए रास्ता छोड़ दिए। इससे पहले जो है, यानी कि यहाँ आने से जस्ट पहले वो मक्का के तीर्थ यात्राएं भी की थी, मतलब वो मक्का में हज करके भी आए थे। ठीक है, तो जो भी मुस्लिम होते हैं वो मक्का में हज करने के लिए जाते हैं, तो ये भी जो है हज करके ही भारत आए थे। समझ में आ गया। भारतीय यात्रा से पूर्व इब्न बतूता इराक, फारसरस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका, सीरिया के व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुके थे। अब व्यापारिक बंदरगाह का मतलब क्या हुआ, बंदरगाह का मतलब होता है जहाजों की ठहरने की जगह, कौन सा जहाज, पानी जहाज, शिप। ठीक है, तो बंदरगाह का मतलब होता है जो पानी जहाज जहां पर जाके रुकता है उसी को बंदरगाह बोला जाता है। ठीक है, तो भारतीय यात्रा से पहले जो इब्न बतूता है, यानी कि भारत आने से पहले वो जो है इराक जा चुके थे, फारसरस जा चुके थे, यमन जो देश है वहां पर जा चुके थे, ओमान भी जा चुके थे, पूर्वी अफ्रीका भी वो जा चुके थे, और सीरिया के जो व्यापारिक बंदरगाह है वहां पर, यानी कि सीरिया के जो व्यापारिक बंदरगाह का मतलब जहां पर भी जहाज रुकते हैं बिजनेस वगैरह करने के लिए, व्यापार करने के लिए, जहां पर भी जहाज उस वक्त में रुकते थे वहां पर भी जो है ये यात्रा कर चुके थे। इब्न बतूता मध्य एशिया होते हुए 1333 में स्थल मार्ग के जरिए सिंध तक पहुंचा, है ना, याद रखिएगा, इब्न बतूता जो है किसके, मध्य एशिया होते हुए, ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया होते हुए कब, 1333 में स्थल मार्ग के जरिए। स्थल मार्ग का मतलब हुआ जो जमीन में जो रास्ता उसको स्थल मार्ग बोलेंगे, एरोप्लेन जो है उसको बोलेंगे हवाई वायु मार्ग, है ना, और जो पानी से रास्ता है उसको बोलेंगे जल मार्ग। समझ में आ गया। तो इब्न बतूता जो है वो मध्य एशिया होते हुए, मध्य के बीच होते, एशिया के बीच से होते हुए
1333 में स्थल मार्ग के जरिए वो कहां पहुंचा, सिंध तक पहुंचा, सिंध। इब्न बतूता दिल्ली पहुंचकर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मुलाकात की, यानी कि जैसे ही वो दिल्ली पहुंचा तो उस वक्त में जो यहाँ पर भारत में दिल्ली में जो शासक था वो किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इससे जो है इब्न बतूता आकर के मुलाकात की, मतलब यहाँ पर आके उनसे मिला, समझ में आ गया। इब्न बतूता कहाँ पहुंच करके, दिल्ली पहुंच करके, उस वक्त में दिल्ली में किसका राज था, मोहम्मद बिन तुगलक का। सुल्तान ने उन्हें उनकी साहब के कारण, उनके साहस के कारण, साहस सॉरी साहस का मतलब होता है वही हिम्मत के कारण, है ना। तो सुल्तान जो था जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक इनका हिम्मत को देखा कि भाई ये मोरक्को का रहने वाला भारत आया है, इसके अंदर कितना हिम्मत है, इसको डर नहीं है कि कोई भी लूट लेता है, कोई भी मार लेता है। तो इसका हिम्मत को देख करके जो है उनको यहाँ का जज बना दिया। जज का मतलब होता है न्यायाधीश, यानी कि काजी, जिसको बोला जाता था उस वक्त में काजी, ये शायद आपका उर्दू वर्ड है काजी, है ना, काजी साहब, काजी साहब आप लोग जरूर सुने होंगे, काजी उसको बोला जाता था। तो काजी का मतलब होता है जज, मतलब न्यायाधीश, जो कि कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो होता है जज, है ना। तो इनको, इनका साहस को, इनका हिम्मत को देखकर के इनको एकदम बिल्कुल भी डर नहीं लगता, इसलिए इनको क्या बनाना चाहिए, जज बनाना चाहिए। और जज बना दिया किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो कि यहाँ के शासक थे। और इस पद पर जो है, इस पद पर यानी कि ये जज के सीट पर वो कई सालों तक यहाँ पर रहे। फिर 1342 ईस्वी में सुल्तान के दूत के रूप में मंगोल शासक, यानी कि लगभग लगभग 9 साल तक रहे। फिर उसके बाद यानी कि 1342 में 9 साल के बाद सुल्तान के दूत के रूप में, अब सुल्तान के दूत का मतलब हुआ वही मैसेंजर के रूप में, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, मैसेंजर क्या होता है कि जो राजा होते हैं, राजाओं को बात को पहुँचाने के लिए किसी आदमी को जाना पड़ता था पहले, क्योंकि व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, तो एक जगह से दूसरे जगह बात को पहुँचाने के लिए एक किसी लोगों को भेजा जाता था, उसी को दूत कहा जाता है, मैसेंजर कहा जाता है, ठीक है। तो 1342 ईस्वी में ये जो इब्न बतूता थे वो क्या बना, मोहम्मद बिन तुगलक का सुल्तान का, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सुल्तान था उसी का दूत बना, उसी का मैसेंजर बना। और इसका मैसेंजर बन करके ये मंगोल शासक के पास गया था। मंगोल जो उस वक्त में बहुत ज्यादा, मंगोल शासक के बारे में तब सबको पता ही है ना, मंगोल जी, तो मंगोल के पास गया और वहीं चीन भी गया। और फिर यहाँ के मंगोल की चीन के वहीं पे था, तो फिर वो जो है चीन भी गया उस वक्त में घूमने के लिए। चीजें आपको समझ में आ रही है, कब गया था, 1342 ईस्वी में, क्या बनकर के, सुल्तान के दूत बनकर के, दूत का मतलब मैसेंजर। आगे चलकर वह मालदीव में काजी पद पर 18 माह तक काम किया। फिर जो मालदीव है आपका, मालदीव यहां पर भी वो कितने, टोटल 18 महीने यानी कि लगभग 1.5 साल तक जो है जज बनकर के वहां पर रहे थे। कहां पर, मालदीव में, आगे चल करके, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अंततः इब्न बतूता सुमात्रता से होता हुआ जायतुन, वर्तमान जिसको हम लोग कवांजू बोलते हैं, इस जगह का नाम जायतुन जो था उसको भी क्या बोलते हैं, कवांजू बोलते हैं। तो वो क्या हुआ, इब्न बतूता जो है वो मालदीव के बाद एक सुमात्रता से होता हुआ जायतुन में जाकर के पहुंचा, वहीं पे गया। 1347 में उन्होंने घर वापसी का रास्ता अपना लिया। और फिर वो आया था कब यहाँ पर, 1333 में लगभग आया था, है ना। और फिर 1347 में जो है यानी कि लगभग लगभग 14 साल के बाद वो अपना घर का रास्ता को लिया, यानी कि अपना घर वापसी, यानी कि अपना घर गया, ठीक है। तो इब्न बतूता के बारे में जो थोड़ा बहुत आपको स्टोरी बताए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है, बस थोड़ा मोड़ा पूछता है कि ये कहाँ का रहने वाला था, ये कहाँ से कहाँ आया था, ये दूत बन करके जो जज, यहाँ कौन से पद पर इसको नियुक्त किया गया था, तो ये जो है यहाँ पर जज बन करके यानी कि काजी के पद में, या फिर कह सकते हैं कि न्यायाधीश के पद में नियुक्त था, है ना। किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सुल्तान था वही बनाया था, क्यों, उनके साहस को देख करके। फिर ये मालदीव में जाकर के 18 महीने तक जो है वहाँ पर पद पर रहा था, यानी कि वहाँ के जो पद, पद का कौन सा पद, जज का पद जो था, जो काजी का पद था, वहीं पर मालदीव में 18 महीने तक रहा था। फिर ये वापस आए कब थे, डेट याद रखिएगा, ये आए कब थे भारत, ये जो भारत 1322-33 में आए थे, और गए कब, तो लगभग 1347 में, ठीक है जी। चलिए, इब्न बतूता के अनुसार यात्रा की कहानी, अब जो भारतीय आए तो उन्होंने भी कई कहानी को सुनाया, है ना। भारत आए तो यहाँ के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा ना, कि क्या क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सारी चीज़ों के बारे में ये भी बताएगा। तो देखिए, इब्न बतूता को सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन तथा मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा में लगभग 40 दिन का समय लगा। यानी कि वो जब आए तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमको जो है, जब हम आए तो सिंध से लेकर के दिल्ली तक, जब हम आए सिंध से दिल्ली पहुंचे तो हमको लगा 50 दिन। फिर मुल्तान से जब वो दिल्ली की यात्रा किया तो उसको लगा 40 दिन, ठीक है। जबकि दौलताबाद से दिल्ली की दूरी कितना दिन है, 40 दिन है, और ग्वालियर से दिल्ली का जो सफर है वो सिर्फ 10 दिन में तय की जा सकती थी। समझ में आ गया, यानी कि वो सिंध से दिल्ली आया था तो 50 दिन लगा था, लेकिन दौलताबाद उस वक्त में कहां पर था, शायद महाराष्ट्र में था, तो लेकिन वो दौलताबाद से जब वो दिल्ली को दूरी किया 40 दिन लग गया। लेकिन वहीं पर अगर वो ग्वालियर से दिल्ली जाता तो उसको सिर्फ और सिर्फ कितना दिन में तय कर सकता था, 10 दिन में,
ठीक है, ये जगह पुराना उस वक्त का नाम है, उस वक्त का नाम का हम लोग यूज कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा देख लीजिए। इब्न बतूता को यात्रा के समय डाकुओं के समूह का हमला झेलना पड़ता था, यानी कि जब यात्रा करते थे तो इनको जो मुश्किलें हैं, डाकू उस वक्त में होता था, लुटेरा होता था, कोई रास्ता में जा रहा उनको पकड़ के लूट लिया, जो भी उनके पास खाने पीने की चीजें थी, जो भी असरफी जो भी उस वक्त में चलता था, ठीक है। तो इब्न बतूता को जो है हमेशा डाकुओं के समूह का हमेशा इसको झेलना पड़ता था, और इसके वजह से इन्होंने कई साथी था इनके साथ जिसको खो दिया है, समझ आया क्या, क्योंकि ये लोग जब यात्रा करता था तो इन लोगों के साथ कई लोग थे साथ में, इनके साथी थे, तो उनको खो दिया, मार दिया होगा डाकू, बचाते बचाते लड़ते लड़ते मर गया होगा, है ना। तो इब्न बतूता को यात्रा के समय, यात्रा के दौरान डाकुओं के समूह का हमला झेलना पड़ता था, वह यात्रा में अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करते थे, यानी कि जब वो यात्रा करते थे तो वो अपना साथियों के साथ चलना पसंद करते थे। कारवां का मतलब हो गया कि साथियों के साथ समूह में, ग्रुप में, कारवां में, कारवां में शामिल होना जाऊंगे, गाना है ना, कारवां मतलब ग्रुप समूह, ठीक है। तो अपने साथियों के साथ जो है कारवां में यानी कि ग्रुप में चलना पसंद करते थे, अकेले चलना पसंद नहीं करते थे। उनके कई साथी को यात्रा के दौरान जान भी गंवानी पड़ी, और उनके कई ऐसे साथी हैं जिनको यात्रा के दौरान अपनी जान भी गंवानी पड़ी, ठीक है। अब अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, इब्न बतूता कैसे यात्री थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, जिसका यात्रा वृत्तांत का नाम है रिहला, तो वो आखिर कैसे यात्री थे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, वैसे तो इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री था, जिद्दी यात्री का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा घूमने का शौकीन, किसी का बात नहीं सुनता था, वो बोलेंगे नहीं हमको इंडिया जाना तो है, अब भाई दूर भी तो देखो, आज के दिन अगर हम लोग यहाँ से तमिलनाडु जाएंगे तो डर लग जाता है, कौन होगा नहीं होगा, कौन लगाते हैं, अपना कोई है, अगर है तभी जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट उसका भारत में सच में कोई नहीं है, डायरेक्ट वहां से मोरक्को से डायरेक्ट आ गया यहाँ पर, आप लोकेशन तो देखे, डायरेक्ट मोरक्को से कहाँ गया भारत, कई देश को टक्कर के, और डायरेक्ट मिला सुल्तान से, और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जब उनका साहस देखा तो उनको डायरेक्ट काजी बना दिया, मतलब जज बना दिया, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए, तो ये जो है एक जिद्दी यात्री था जो अपने मकसद के रास्ते से, अपने मकसद का मतलब अपने उद्देश्य जो उनका सपना था, उनके रास्ते से कभी भी पीछे नहीं हटा। जब वो वापस आए तो स्थानीय शासक ने उसकी कहानियां को दर्ज करने का फरमान निर्देश जारी किया, और जब वो वापस आए यानी कि जब वो गए वापस, तो उस वक्त में जो स्थानीय शासक था उस वक्त का, तो उन्होंने फरमान करने का, फरमान का मतलब हो गया कि निर्देश जारी किया, फरमान जारी किया मतलब निर्देश जारी किया, कहा कि ये जो जो चीज देख के आया है इनके बारे में भी, साथ ही साथ ये जो जो चीज देख के आया है इनके बारे में भी लोगों को पता चलनी चाहिए, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इब्न बतूता जब यहाँ आए थे तो उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या चीजों को उन्होंने देखा, ठीक है। देखो, इब्न बतूता द्वारा शहरों का वर्णन, इब्न बतूता जो है वो कब पहुंचा था दिल्ली, 14वीं शताब्दी में, यानी कि लगभग 1333 में, ठीक है। तो इब्न बतूता जो है वो भारत कब पहुंचा था, 14वीं शताब्दी में, ये पूछा यही जाता है कि वो कब आया था, तो आपको याद रखना है कि 14वीं शताब्दी में वो आया था। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्राएं की, यानी कि वो बहुत बड़े लेवल में बहुत ज्यादा यात्रा करते थे, और बड़े बड़े विद्वान तथा शासकों के साथ समय बिताया, और एक तो वो सबसे पहले बहुत ज्यादा यात्रा भी करता था, साथ ही साथ जो भी बड़े बड़े उस वक्त का विद्वान था, क्योंकि ये भी शिक्षित थे, अब पढ़े लिखे लोग हैं तो किसी के पास जाने से डरेगा थोड़ी, कोई जाहिल थोड़ी था, साथ ही साथ जो भी बड़े बड़े शासक थे जैसे मोहम्मद बिन तुगलक जो कि यहाँ का राजा है, डायरेक्ट उनसे मिल लिया, भाई समझ रहे हो, क्या बोला होगा आकर के कि हम जो है मोरक्को से आए हैं, इन लोगों को पता नहीं, पता भी होगा कि नहीं कि मोरक्को कहाँ है, मोरक्को जो है यहाँ से बहुत दूर है, हमको इतना दिन आने में समय, अब वो सोचिए इनको इंडिया के अंदर सिंध से यहाँ आने में, सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन लग गया था, अब उधर 1 साल से ज्यादा लग गया होगा आने में, समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो जब शासकों देखा, कोई भी देखता होगा सुनता होगा इनके बारे में यहाँ से आए, तो ऑटोमेटिक बात है कोई भी दूर से अगर यात्री आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उनको लूटेंगे, बिल्कुल नहीं, लुटेरा लुटता ही है वैसे, लुटता भी था, लेकिन हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई इतना दूर से कैसे आ गए। इब्न बतूता जो है काजी पद पर भी नियुक्त हुए, ये पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता जो है यहाँ पर आकर के कौन से पद पर नियुक्त हुए थे, तो काजी पद पर, काजी का मतलब होता न्यायाधीश। इब्न बतूता उप महाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए एक व्यापक अवसर समझा, यानी कि इब्न बतूता उप महाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए एक व्यापक अवसर समझा जिनके पास आवश्यक साधन, इच्छा तथा कुशल क्षमता था, जैसे कि अमीर वर्ग के लोग। कहने का मतलब है, इनका कहना क्या था, जब ये शहर आया, जब ये अपना किताब में लिखा इनके बारे में कि शहरों के बारे में जब ये बताने लगा, तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा देख लिए कि भाई दिल्ली 14वीं शताब्दी में पहुंचा, और ये बड़े बड़े शासकों से, बड़े बड़े लोगों से मिला, और इनको काजी का पद मिला, यहाँ तक तो ठीक है। अब शहर के बारे में वो क्या कहता है कि ये जो है अमीर लोगों के लिए ये शहर था, कौन सा शहर, ये उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए एक व्यापक अवसर समझा। अवसर का मतलब होता है कि जैसे मान लेते भाई वहाँ पर जो ना बहुत तरह का अवसर है, जैसे कोई काम करने के लिए जाएंगे ना, तो गांव में क्या होगा, बिजली नहीं होगी, वाईफाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा,
लेकिन शहर में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत तरह का अवसर है, कोई भी चीज़ तुरंत मिल जाता है, कंपनी है बहुत तरह का, यानी कि बहुत तरह का अपॉर्चुनिटी है, बहुत तरह का अवसर है। ठीक है, तो ये भी बतौता जो है उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए अवसर कहा जो अमीर वर्ग के लोग थे, यानी कि जो अमीर लोग थे, जो पैसे लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनके लिए कहा कहा कि ये जो शहर है सिर्फ उन्हीं के लिए, गरीबों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, है ना। इच्छा, कुशल क्षमता और आवश्यक साधन जिनके पास था, जिनके पास इच्छा था, जिनके पास कुशल क्षमता, जो उस तरह का कैपेसिटी रखता था, उस तरह का पैसा था और जिनके पास हर तरह का साधन था, वही जो है ये शहरों में जा सकते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर तथा भारत का सबसे बड़ा और विशाल आबादी वाला शहर बताता है। और इब्न बतूता क्या कहता है कि जो है आपको पूछा जा सकता है कि बताओ इब्न बतूता किसको सबसे बड़ा शहर कहता है, तो इब्न बतूता जो है वो दिल्ली को एक बहुत बड़ा शहर कहता है, पर भारत का जो सबसे बड़ा और जो सबसे विशाल शहर है वो किसको बताता है, दिल्ली को। तो पूछा जा सकता है कि बताइए इब्न बतूता के अनुसार कौन सा शहर सबसे बड़ा था, सबसे विशाल था, तो उसका नाम है दिल्ली। ठीक है, दौलताबाद, दौलताबाद का मतलब महाराष्ट्र, है ना, मैंने कहा था ना कि दौलताबाद शायद महाराष्ट्र का नाम है, देख लीजिए, दौलताबाद यानी कि महाराष्ट्र को भी एक बड़ा शहर मानते थे जो दिल्ली को टक्कर देता था। महाराष्ट्र जैसे आज के दिन में बहुत तरक्की किया हुआ है, दिल्ली से लगभग आ गई है वित्तीय राजधानी, हम लोग उसको कहते हैं दिल्ली, मुंबई क्या है वित्तीय राजधानी है जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, तो दौलताबाद यानी कि महाराष्ट्र को भी जो है एक बहुत बड़ा शहर मानता था, कौन, इब्न बतूता, जो दिल्ली को टक्कर देता था उस वक्त में, लेकिन ज्यादा बड़ा कौन था, दिल्ली था। इब्न बतूता के अनुसार अधिकतर बाजारों में एक मंदिर, एक मस्जिद हुआ करता था, और जो भी बाजार होता था, जो भी शहर होता था, जो भी बाजार होता था, तो हर बाजार में एक मंदिर और एक मस्जिद वो होता ही होता था। आपको प्रश्न पूछा जाएगा इब्न बतूता के द्वारा शहरों का वर्णन करें, या फिर इब्न बतूता के नजरिए से, चैप्टर का नाम है नजरिए। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, दौलताबाद में पुरुष तथा महिला गायकों के लिए एक बाजार है, यानी कि जो पुरुष, जो लेडीज सिंगर थी और जो पुरुष सिंगर थे, तो उनके लिए जो है एक बाजार था जहाँ पर वो लोग हमेशा आकर के स्टेज में, या फिर जिस तरीके से भी उस वक्त में होता था, आकर के वो लोग अपना गाना सुनाते थे, गीत गाते थे, जो भी वो गाने जानते थे। ठीक है, तो दौलताबाद में यानी कि महाराष्ट्र में पुरुष तथा महिला गायकों के लिए, सिंगल सिंगरों के लिए एक बाजार है, सिंगल के लिए नहीं, सिंगर के लिए, सिंगल में समझ लेना, जिसे ताराबाद के नाम से जाना जाता है, और वो बाजार को किस नाम से जाना जाता है, ताराबाद के नाम से। ठीक है, तो याद रखिएगा दौलताबाद में पुरुष और महिला के लिए क्या था, गायकों के लिए, सिंगर के लिए एक बाजार है, उस बाजार का नाम है ताराबाद। यह सबसे विशाल तथा सुंदर बाजारों में से एक है। अब भाई गाना गाया जाएगा, ये सारा चीज होगा, तो ऑटोमेटिक बात होगा ना कि वो बहुत सुंदर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो आपका था ताराबाद, ये बहुत ज्यादा सुंदर था और बहुत ज्यादा बड़ा भी था। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको, ये जो है इब्न बतूता के द्वारा जो शहरों का वर्णन किया गया है वो यही है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बताइए इब्न बतूता शहरों के बारे में क्या बताते हैं, तो आपको पॉइंट कैसे लिखना है, पहले थोड़ा बहुत इब्न बतूता के बारे में लिख देना है, फिर वो लिखने के बाद जस्ट आपको आगे बढ़ना है, और आगे उसके शहरों का जो भी वर्णन किया है, जैसे अमीर वर्ग के लिए, अमीर वर्ग के लोग जो थे उन्हीं के लिए ये शहर था, शहर दिल्ली को वो बहुत बड़ा कहा, बहुत विशाल कहा, दौलताबाद जो महाराष्ट्र है वो भी बहुत बड़ा शहर था दिल्ली को, जो कि टक्कर देता था, अधिकतर बाजारों में एक मंदिर और मस्जिद हुआ करता था, और हर बाजार एक बाजार था स्पेशली जिसका नाम ताराबाद था, जहाँ पर महिला और पुरुष गायकों के लिए एक जगह था जहाँ पर वो लोग आके गाते थे। ठीक है, अब देखिए इब्न बतूता के अनुसार भारत में दो प्रकार के डाक व्यवस्था था, यानी कि इब्न बतूता को डाक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस वाला सिस्टम होता है। ठीक है, तो भारत में दो प्रकार के था, एक का नाम था अश्व डाक व्यवस्था, एक का नाम था पैदल डाक व्यवस्था। अब देखिए अश्व डाक व्यवस्था, इसे उलूक भी कहा जाता है, ये जो अश्व डाक व्यवस्था है आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, अश्व डाक व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उलूक कहते हैं, उलूक, उलूक, इसको क्या कहा जाता है, उलूक। ठीक है, और ये जो पैदल डाक व्यवस्था था प्यारे बच्चों, पैदल डाक व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इसको दावा कहते हैं, दावा, इसको क्या कहते हैं, दावा, याद रखिएगा इसको कहते हैं दावा, और इसको कहते हैं अश्व डाक व्यवस्था को कहते हैं उलूक। ठीक है, यह व्यवस्था प्रत्येक 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। कहने का मतलब है जो राजकीय घोड़ा होता था उस वक्त में, तो टोटल 4 मील की दूरी पर एक एक घोड़ा होता था, और इस डाक व्यवस्था जो है वैसे ही चलता था। कहने का मतलब है जैसे एक घोड़ा, कोई घुड़सवारी है जो कि एक लेटर को लेके गया, उसके पास 4 मील दूरी पर है, फिर वो किसी के पास, फिर वो किसी के पास, इस तरीके से। ठीक है, फिर जो दूसरा है आपका वो है पैदल डाक व्यवस्था, जिसको हम लोग दावा भी कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, दावा। और इस अवस्था में प्रति मील दूरी पर 3 अवस्थान यानी कि 3 लोकेशन होते थे। ठीक है, पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी, तथा इसका इस्तेमाल प्रायः घुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता था। कहने का मतलब है ये जो पैदल डाक व्यवस्था है, अश्व का मतलब घोड़ा होता है ना, और ये जो पैदल डाक व्यवस्था है वो अश्व डाक व्यवस्था से ज्यादा तेज होता था। ठीक है, और इसका जो इस्तेमाल है वो प्रायः घुरासान के फलों को
परिवहन के लिए यानी कि घुड़ासान के जो फल है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए होता था और भारत में इस तरह का फल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। आगे एक और टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल जो है हम लोग फ्रांसवा बर्नेल के बारे में पढ़ेंगे। ये हिंदू शब्द के बारे में जानते हैं। हिंदू शब्द का जो उत्पत्ति है, जो हिंदू है वो रियल में हिंदू उसका शब्द है ही नहीं। हिंदू जो है वो सिंधु से निकला हुआ एक शब्द है। ठीक है, तो बस ये हिंदू शब्द को जान लेते हैं, फिर जो पार्ट टू आप आएगा वहां पर हम लोग फ्रांसवा बर्नियर के बारे में प्यार से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट टू में। लेकिन फिलहाल आप हिंदू शब्द को जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। देखो, हिंदू शब्द जो है वो एक प्राचीन फारसी शब्द है, याद रखिएगा। ये जो हिंदू शब्द है ना वो कौन सा शब्द है? प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था, यानी कि सिंधु नदी के पूर्व पहले के जो क्षेत्र थे उनके लिए जो है इस हिंदू शब्द का प्रयोग होता था अरब लोगों के द्वारा। क्योंकि कहा जाता ना कि अरब लोगों को ना सिंधु बोलना नहीं आता था, इसलिए वो सिंधु को हिंदू बोलते थे और फिर वो हिंदू बाद में हिंदू धर्म के लिए हो गया, समझ में आ गया। लेकिन पहले नहीं था, पहले सनातन था। तो हिंदू शब्द जो है वो प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी का मतलब जो इंडस नदी है उसी के पहले क्षेत्र के लिए होता था। अरब के लोगों ने इस हिंदू शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। अरब के जो लोग थे वो यहाँ के निवासी को हिंदी कहा, मतलब कहने का कि चाहे वो कोई भी धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको हिंदी कहता था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, और हिंदी कहाँ से निकला? तो वो नदी से निकला। ठीक, कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व रहने वाले लोगों को हिंदू और उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का संज्ञा दिया। यानी कि कालांतर में तुर्कों ने, कालांतर जो जगह है वहां पर जो तुर्की के लोग थे, जिनको हम लोग तुर्की के जो लोग उसको तुर्को कहते हैं, जैसे भारत के लोगों को भारतीय कहते हैं, ठीक है। तो कालांतर में तुर्की ने सिंधु से जो पहले लोग रहते थे, सिंधु से पूर्व रहने वाले जो लोग थे उनके लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था और उनका जो निवास स्थान है जहाँ पर वो रहते थे उस जगह को उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया और जो उनकी भाषा है उस भाषा को हिंदी ना कह करके उन्होंने हिंदवी कहा। क्या कहा? हिंदवी की संज्ञा दी। ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी शब्द धार्मिक दृष्टि से प्रयोग नहीं किया गया था। आज के दिन जो हिंदू शब्द है ये धार्मिक दृष्टि से प्रयोग होता है ना, हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म जैसे हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, लेकिन ये जो उस वक्त में हिंदू बोला गया था तो वो कोई भी धर्म को नहीं जानता था, कोई भी धर्म के लिए इस वर्ड को नहीं बोला था। समझ में आ गया आपको? तो उपरोक्त में से यानी कि ऊपर जो दिया गया शब्द है ये किसी भी शब्द को धार्मिक दृष्टि से नहीं बोला गया था, लेकिन बाद में इस शब्द को धार्मिक नाम से घोषित कर दिया गया। लेकिन बाद में जो ये शब्द है उसको धार्मिक रूप दे दिया गया, धार्मिक नाम से घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है हिंदू शब्द के पीछे की कहानी है। अब बच्चों हम लोग जो पार्ट टू में पढ़ेंगे वो है फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, तो याद रखिएगा पार्ट टू भी देखना आपको जरूरी है, क्योंकि फ्रांसवा बर्नियर जो कि फ्रांस का रहने वाला था, जिसका किताब का नाम था द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, जो भी वीडियो को प्लीज लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, और जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बहुत आसान है पीडीएफ लेना। पीडीएफ लेने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम क्या है? तनु क्लासेस, याद रखिएगा ऐप का नाम है तनु क्लासेस, जिसको जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो अपने भाई को, अपने सिस्टर को, अपने बड़ी दीदी को, बड़े भाई को कह सकते हैं। तो प्ले स्टोर से तनु क्लासेस आपको डाउनलोड करिए, यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोर्स में ज्वाइन करना है, जैसे बिहार बोर्ड वालों के लिए संकल्प बैच है और अदर बोर्ड वालों के लिए सफलता बैच, तो उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइए कैसा लगा है, और प्लीज़ आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर किया कीजिए कि क्लास कैसा लगा। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में उसको समझा देंगे। कुछ अगर हमसे गलती हो गई है, भूल हो गई है, तो प्लीज़ उसको भी बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। आप लोग सिर्फ क्लास को देखने के बाद छोड़ मत दीजिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग का है, क्योंकि मेरे सामने में कोई बच्चा नहीं है जिसको हम पूछ लेंगे, आप ही लोग सब कुछ है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए प्यारे बच्चों। ऐसी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बहुत जल्द आपका टेस्ट वगैरह होने वाला है, तो सारी चीज़ों को बिल्कुल पाबंदी से हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच। बस जाते जाते वीडियो को आप लोग शेयर कर देना।